नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रायला रामपुरिया में श्रीमद् भागवत कथा के सातवें दिन व अंतिम दिन प्रातःकाल द्विकुंडीय यज्ञ का किया गया, जिसमें सात जोड़ों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी गई। कथा में उपाचार्य पंडित नंद किशोर शास्त्री, पंडित राकेश शास्त्री ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का हवन यज्ञ संपन्न करवाया, जिसके पश्चात कथा व्यास पंडित पवन शास्त्री ने कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन किया, जिसमें कृष्ण एक राजा द्वारिकाधीश होते हुए भी गरीब मित्र दायम श्री दामा को नहीं भूले थे। द्वारिकाधीश को मित्र की सूचना मिलते ही दौड़ पड़े थे और मित्र से मिलकर गले लगाकर अपने आंसू से पैर धोए थे। वही भजन में अरे द्वारपालुस कन्हैया की कह दो कि दर पे तो सुदामा गरीब आ गया है। वही कथा में 24 गुरुओं की कथा का वर्णन किया गया। उसके पश्चात महाआरती की गई और ठाकुर जी के भोग लगाकर महाप्रसादी की गई। वही पूरे गांव ईरान्स में गुंजा हरि बोल श्रीमद् भागवत कथा के सात दिवसीय कथा का समापन के पर्व पर कथा वाचन पवन शास्त्री ने कहा कि संतों का आदर करना चाहिए तथा अपने जीवन में नियमित रूप से हरि कीर्तन अपनाना चाहिए। इस मौके पर स्थानीय आसपास के क्षेत्र के प्रभात फेरी में भक्तों ने बताया कि उत्सव के मौके पर प्रातः आचार्य ने विधि विधान से हवन करवाया, तत्पश्चात प्रभात फेरी का आगमन हुआ। प्रभात फेरी के भक्तों ने पूरे गांव में घूम घूम कर पूरे गांव को हरि बोल के नारों से हरिमय कर दिया तथा ग्रामीणों ने भक्तों के लिए जगह जगह टेंट लगाकर पानी व अल्पाहार की व्यवस्था की तथा अंत में सभी प्रभात फेरी एक पंडाल में एकत्रित हुए, जिसमें संतों के प्रवचन हुए। वही समस्त ग्रामवासी सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे।